अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां दशहरा पूजन के लिए पूजा का सामान लेने निकले दो रिश्तेदार हादसे का शिकार हो गए। दोनों को घायल अवस्था में एम्बॉय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक ने बुधवार शाम दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की गुरुवार अल सुबह मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। रिश्तेदारों के मुताबिक दोनों बाइक में निकले थे। इनमें से एक इंदौर के डीपीएम में माली का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक घटना कनाड़िया से उपड़ी नाथा गांव के बीच की है। यहां भगवान पुत्र किशोरी लाल गोयल और उसके रिश्तेदार गजानंद पुत्र कतार सोलंकी को बाइक से घर आते समय अज्ञात चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, यहां उनकी मौत हो गई। रिश्तेदारों ने बताया कि दोनों दशहरा पूजन के लिए पूजा का सामान लेने निकले थे। रिश्तेदार दीपक ने बताया कि शाम को उन्हें अस्पताल से सूचना मिली कि भगवान और गजानंद का एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर दोनों की पत्नी ललिता बबीता और बेटी अस्पताल पहुंची। उस समय दोनों का आईसीयू में उपचार चल रहा था। परिवार के मुताबिक भगवान डीपीएस स्कूल में माली का काम करते थे। उनके परिवार में दो बेटी और एक बेटा है। वहीं भगवान मकान निर्माण के काम से जुड़े थे। उनके परिवार में दो बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। परिवार के मुताबिक अभी टक्कर मारने वाले वाहन की जानकारी सामने नहीं आ पाई है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।